दीदी अपना नाम बता, चालू है ना? नाम बताइए। प्रियंका दास। मैंने प्रियंका दास जी, कैसे चल रही है आपकी दिवाली की शॉपिंग बोलूँ क्या या क्या बोलूँ? एक्चुअली कैसे लास्ट ईयर से या जितनी भी दिवाली हमने सेल किया है मतलब काफ़ी कम है अभी। अच्छा, अभी उतना रिस्पांस नहीं है कस्टमर्स का। और लास्ट ईयर से काफ़ी कम ही है सेलिंग हमारी। पिछले बार के दिवाली और धनतेरस से इस बार में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको? बस यही फ़र्क दिखाई दे रहा है, घूमने वाले ज़्यादा हैं। अच्छा, परचेज करने वाले कम और खरीदने वाले कम है। हाँ जी। अच्छा, रेट में कुछ फ़र्क पड़ा है इस बार कपड़ों? हाँ जी, हाँ काफ़ी कॉस्टली हमने परचेज किए हैं, सेलिंग काफ़ी स्लो चल रही है। अच्छा अच्छा, कहाँ से करते हैं दीदी आप? सूरत। सूरत से? पर फिर भी कस्टमर्स वगैरह तो बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कस्टमर्स कम हैं, घूमने वाले ज़्यादा हैं। अच्छा, व्यापार के ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा है इस कोरोना की वजह से? जी जी, काफ़ी प्रभाव पड़ा है। हाँ आ जाओ दीदी, दिवाली की तैयारियाँ कैसी चल रही है आपकी पर्सनली घर पे? बढ़िया, सब बढ़िया। क्या क्या करते हो दीदी आप घर पे दिवाली के टाइम में? बस शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, घर में लाइटिंग, कुछ लक्ष्मी पूजा। हाँ, किस तरीके से करते हो लक्ष्मी पूजन वगैरह? एक साथ फैमिली मेम्बर्स मतलब एंजॉय करते हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं। बस पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, दिए वगैरह जलाते हैं। जी, दिए जलाते हैं, लाइटिंग। और कुछ बताना चाहते हैं आप बताइए? बस दिवाली पर आपके यहाँ कितना स्टाफ है सारा? सिक्स है हम लोग। अच्छा अच्छा, पहले कितने कस्टमर आ जाते हैं अपने पास में दिन में? दीदी ऑलमोस्ट 40 कस्टमर्स आते हैं। अच्छा, तो मतलब इस कोरोना की वजह से ऐसा लगता है कि ज़्यादातर प्रभाव पड़ा ही है बिजनेस पे, बहुत कम हो रहा है। प्रभाव पड़ा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मार्केट काफ़ी स्लो हो गया है। और लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि आपके शॉप में या फिर बाहर यहाँ मार्केट में भी सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कोरोना से रिलेटेड कोई भी ऐसी गाइडलाइन यूज नहीं कर पा रहे। हाँ जी दीदी, आपकी बात सही है, बट कैसे जो एक लेने आ रहा है शॉपिंग करने, उसके साथ दो एक्स्ट्रा और आ रहे हैं, तो हम उनको मना नहीं कर सकते कि आप मत आइए इस शॉप पर। लेकिन आपके भी शॉप में जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉब्लम है, एक्चुअली हमारा शॉप बहुत छोटा है तो स्पेस कम की वजह से हम कस्टमर्स को रोक नहीं पाए। तो सैनिटाइजर एंड मास्क अप्लाई कंपलसरी किया है सारे जितने भी लोग जाते हैं शॉप में, जितने दिन भर में जितने भी लोग आएंगे कंपलसरी। और घर पे कुछ बनाते हैं विशेष आपके दिवाली के टाइम में? नहीं दीदी, बस मिठाइयाँ खाते हैं। अच्छा, तैयारी कैसे चल रही है अभी दिवाली की? अच्छी चल रही है मैम। अभी अपने यहाँ मॉल में क्या क्या खरीदा है? हाँ, कुछ खरीदा नहीं, बाल सेट करने आई थी। बाल सेट करने? आपने दिवाली में अभी क्या खरीदा है? न्यू वन पीस खरीदा। न्यू वन पीस। दिवाली में अभी कैसे तैयारियाँ होती है? सब जन बाहर दिए वगैरह लगाते हैं और शॉपिंग होती है बहुत सारी, घर की सजावट वगैरह। देख ऐसा होता था कि बस सब ऐसे साथ में निकलते हैं, लेकिन अभी कोरोना काल में वैसे नहीं निकल सकते हैं, अलग अलग निकलना पड़ता है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या क्या शॉपिंग की है? जैसे आपने बेबी के लिए खरीदा होगा तो आपने क्या खरीदा है उनके लिए? हाँ, बेबी के लिए एक ड्रेस खरीदा है और शूज़ खरीदे हैं। और जैसे पिछले साल की जो दिवाली थी मतलब उस जैसा माहौल नहीं रहा है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से पूरा काम खाली खाली हो गए हैं। जैसे पहले दिवाली जो दंदन थी अभी इस दिवाली में थोड़ा कम था, लेकिन है दिवाली। लास्ट अपन ने जो कोरोना के पहले आप लोगों ने जो धनतेरस मनाया था और अभी के धनतेरस में क्या फ़र्क देखा है आपने? पिछले धनतेरस में बहुत शॉपिंग की थी, जैसे एक टीवी वगैरह लिया था, LED वगैरह फ्रिज लिया था। धनतेरस में अभी सोना खरीदना था, लेकिन अभी रेट भी बहुत बढ़ गए हैं। क्या रेट चल रहा है अभी गोल्ड का? अभी शायद अंदाज से तो 6 के आसपास चल रहा है। 6,000? हाँ, ग्राम। 6 ग्राम? हाँ। क्या रेट चल रहा है? मैंने पूछा रेट क्या है अभी गोल्ड का? ठीक है, 55 ना, साँच पकड़ ना। हाँ, अंदाज 55 के आसपास है। तो आपने कुछ खरीदा नहीं है गोल्ड में? नहीं नहीं, इस बार नहीं खरीदा है, थोड़ा कोरोना की वजह से नहीं। बोला जाता है कि जैसे अभी धनतेरस में गोल्ड खरीदना ज़्यादा शुभ माना जाता है, बर्तन खरीदने ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो अभी आपने क्या खरीदा उसमें? इस बार तो मैंने फ्रिज लिया है डबल डोर का। इस बार सोना नहीं खरीदा है, पिछली बार खरीदा था, इस बार खरीदना था लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से नहीं खरीदा है। तो शुभ क्यों माना जाता है, मतलब मुझे आप विस्तार से बताइए। जैसे अपनी अपनी परंपरा है, कोई शुभ मानता है, कोई हर दिन शुभ मानता है, हम तो हर दिन को शुभ मानते हैं।
धनतेरस भी अभी लोग बोलते हैं कि धनतेरस में शुभ सोना लिया तो बहुत शुभ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सोना भी लिया कुछ भी लिया तो शुभ शुभ ही होता है, हर दिन शुभ के बराबर है। अभी आपने क्या खरीदा है? अभी शूज़ लिए हैं। अच्छा। सॉक्स है और ड्रेस है इनका। बच्चे इंजॉय कीजिए, हैप्पी दिवाली। कैसे चल रहा है मार्केट इस बार का? मैडम अभी जैसा अपना पिछले साल जो हमारे मैंने कि जो देश में कोरोना की वजह से जैसा हमारा पूरा मैंने कि देश और जो हमारा पूरा अपना वर्ल्ड है जो अपना यानी कि कोरोना की वजह से जो अपना प्रभावित हुआ है और जो हमारा देश का जिस प्रकार से अपने यानी कि जो GDP गिरा है तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट पे भी कोरोना का असर कहीं ना कहीं पड़ा है। तो जैसा अपने यानी कि एवरी ईयर जो हम अपने यानी कि जो दिवाली हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक अपने यानी कि फेस्टिवल है और जैसे अपने यानी कि हर साल हम इसको अपने यानी कि मनाते हैं तो उसके मुताबिक देखा जाए तो इस साल कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं हल्का सा अपने यानी कि त्यौहार फीका पड़ा है और जैसा अपने यानी कि जिस प्रकार से अपने यानी कि हमेशा जो रेगुलर कस्टमर्स होते थे जो और जो अपने यानी कि रेगुलर गिराकी होती थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं अपना यानी कि असर एक प्रकार से अपने यानी कि COVID-19 की वजह से पड़ा है। फिर भी अपने यानी कि थोड़ा बहुत है मार्केट में अपने यानी कि हलचल है, कहीं ना कहीं अपने यानी कि कुछ ना कुछ खुशी है और अपने यानी कि कहीं ना कहीं अपने यानी कि कस्टमर्स भी है और हम तो एक अपने यानी कि जो जिम्मेदार नागरिक का पूरे तरीके से एक अपने यानी कि फर्ज अदा करके COVID-19 के जो भी हमारे अपने यानी कि सरकार ने जो अपना उसके लिए है इंस्ट्रक्शंस कि अपने यानी कि उसको फॉलो करके मार्केट में आओ, मुँह पे मास्क बांधो, सैनिटाइजर्स वगैरह उसको अपने पूरा ख्याल में रख के शॉप में आ रहे हैं और जो भी हमारे शॉप में कस्टमर्स आ रहे हैं तो अपने यानी कि उनके बराबर अपने यानी कि बाकायदा से अपने सैनिटाइज अपने यानी कि कर वगैरह अपने यानी कि करके कुछ ना कुछ अपने यानी कि गिराकी हो रही है। प्रभाव पड़ा है आपको ऐसा लगता है पिछले साल मैडम अपने यानी कि मैडम पिछले साल के मुकाबले तो मैडम अपने यानी कि ये इस साल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल अपने यानी कि रेट कम हुए हैं और जो हमारा अपने यानी कि लॉकडाउन था 3-3.5 महीने का तो उसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जैसे यहाँ से जैसे यानी कि जहाँ से हमारा कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग होकर आता है सूरत से, कोलकाता से और अपने यानी कि दिल्ली से, बॉम्बे से, तो जो अपने यानी कि वहाँ पे इंडस्ट्री जो अपने यानी कि बंद थी तो माल अपने यानी कि आ नहीं पा रहा था तो उसके वजह से कहीं ना कहीं अपने यानी कि रेट भी कहीं ज़्यादा हुए रेट का। अब मैडम जो है कस्टमर्स आते हैं जिनमें 40-50 कस्टमर आते हैं जी जी, आप अपनी तरफ से क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो? मैम जैसे अपने कस्टमर्स आते हैं तो मैडम हमारा जैसे अपना शॉप काफ़ी अपने यानी कि छोटा है तो हम तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं बट अपने यानी कहीं ना कहीं अभी अपना दिवाली के चलते कुछ ना कुछ अपने यानी कि कम ज़्यादा प्लस माइनस अपने यानी कि हो रहा है। आपने कुछ खरीदा है ना दीदी जी? त्योहारी है, दिवाली आपके इधर लक्ष्मी पूजा होती है और अपना दिए वगैरह अपने यानी कि जलाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, अपना जो भी है मिठाई वगैरह। वैसे मैं अपना मुंबईडियन हूँ। अच्छा, मैं मुंबईडियन हूँ, मेरा नाम मिनहाज अहमद है। आप दिवाली तो मनाती होंगे? बनाते ऐसा कुछ थोड़ी ना, हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तानी है अपने यानी कि ऐसा कुछ अपने यानी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना हिंदू है तो मैडम हम कैसे अपने यानी कि मेन अपने यानी कि हम ये है हिंदुस्तानी है अपने यानी कि ऐसा कुछ मजहब का यानी कि ऐसा कुछ नहीं है एंगल। हम तो अपने यानी कि लक्ष्मी पूजा भी अपने यानी कि दिवाली में पूजा वगैरह होती है तो उसमें भी शामिल होते हैं और अपने ईद की नमाज भी पढ़ते हैं, ऐसा अपना कुछ नहीं है। अभी हम लोग आए हैं इंटरनेटिव मॉल में, यहाँ पे हम शॉप में हैं मिस शीफ में, तो आइए इनसे जानते हैं कि तत्काल न्यूज़ में स्वागत है। अभी दिवाली चल रही है तो दिवाली के इसमें आपके कोई कस्टमर नहीं आ रहे? कस्टमर है ना मैम, कस्टमर आ रहे हैं। कितने आ जाते हैं? मैक्सिमम आ जाते हैं, हमारा सेल अच्छा हो जाता है। यहाँ पे सैनिटाइजर का और प्रिकॉशंस ले पूरे प्रिकॉशंस के साथ हम कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। आपकी तैयारी हुई है अभी दिवाली की? नहीं। क्यों? कस्टमर को सर्विस देते देते हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है दिवाली की शॉपिंग। ड्रेसेस भी नहीं खरीदे अभी आपके लिए? नहीं नहीं, कुछ भी शॉपिंग नहीं की, कुछ भी नहीं हुई अभी तो। अच्छा, अभी क्या रेट चालू है पहले के जब स्टार्टिंग में जो दिवाली थी और अभी की दिवाली में आपने क्या? एक्चुअली हमारी शॉप अभी न्यू ओपन हुई है, 1 month ही हुआ है। अभी आपके शॉप में क्या रेट चल रहा है शूज़ का? हमारे यहाँ बहुत रिजनेबल रेट है, फ्रॉम स्टार्टिंग 240 to under 1000। पहले की दिवाली में पूछा मैंने और अभी की दिवाली में क्या फ़र्क देखा है आपने? पहले की दिवाली में लोग पटाखे वगैरह फोड़ते थे, अभी के लॉकडाउन के कारण इतना क्राउड नहीं दिख रहा है। मार्केट में भी है बट उतना क्राउड नहीं है जितना पहले रहता था। आपने क्या शॉपिंग की है? आपकी दिवाली की तैयारी हुई है? नहीं नहीं हुई है। क्यों?
यहीं पे बिजी हम जॉब पे। अच्छा यहीं बिजी आप, मतलब आप यहीं पे आप अपनी दिवाली मनाओगे? हाँ यहीं बना लेंगे, अभी रंगोली निकालेंगे हम। अभी रंगोली निकाल, दिए लगाएंगे। फिर तो बहुत अच्छी चल रही है, मम्मा पापा है। दिवाली में पहले तो घर की सफाई करते हैं, दिए जलाएंगे, पटाखे थोड़े कम ही फोड़ते हैं हम लोग। अभी कहा ने गाइडलाइन की है कि मतलब पूरा पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, उसको पूरा प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कैसा एयर पोल्यूशन बहुत होता है पटाखे कारण और साउंड पोल्यूशन, तो वो नहीं होना चाहिए, तो उसका ध्यान रखेंगे और रखते भी है लोग।